गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू यूनिट सेकंड, ऑपरेशंस ऑन लार्जर नंबर। हमें पता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है यूनिट फर्स्ट में कि लार्जर नंबर कौन कौन से होते हैं। अब इनका ऑपरेशंस का क्या मतलब है? ऑपरेशंस होता है कि हमें उन लार्जर नंबर्स को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि हमें उन लार्जेस्ट नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यूनिट सेकंड के जो वर्कशीट फर्स्ट है उसमें हमें सिर्फ टू ही ऑपरेशन स्टडी करने हैं, कौन कौन से, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यूनिट सेकंड के जो वर्कशीट फर्स्ट है हमें उसमें सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में ही स्टडी करना है। अब हमें पता है हमें ऐड करना ऑलरेडी आता है, जैसे कि कोई भी नंबर हमें गिवन है 3846, नेक्स्ट हमें कोई भी नंबर गिवन है 4700, इन टू नंबर्स को हमें ऑलरेडी ऐड करना आता है। हम इन टू नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं? पहले इन्हें वर्टिकली कॉलम्स में अरेंज करते हैं। वर्टिकल कॉलम्स में कैसे? जैसे कि इस नंबर के नीचे ये दूसरा नंबर हम इंसर्ट करते हैं और इन दोनों नंबर को क्या करना है, अब हमें प्लस मतलब ऐड। अब 6 में 0 प्लस करेंगे 6, 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 8 में 7 प्लस करेंगे 15, 15 का 5 यहाँ और 1 कैरी, 4 प्लस 4 8, तो इसका आंसर क्या आया 8546। ऐसे ही हमें इन कोई भी दो टू और थ्री नंबर्स गिवन होंगे और इसी वे से हमें क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप वर्कशीट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें हमें क्या गिवन है, हमें दिया। अब जो भी हमें थ्री नंबर्स गिवन है, इन थ्री नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करने के लिए पहले हम इन थ्री नंबर्स को किस में अरेंज करेंगे, इन वर्टिकल कॉलम्स। इन वर्टिकल कॉलम में कैसे अरेंज करेंगे ये देखो, पहले 292 342, एक तो ये नंबर गिवन है। अब जो सेकंड वाला नंबर गिवन है उसको इसके नीचे फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे? बैक साइड से वन, बैक साइड से लिखना शुरू करेंगे 156 4541। अब इस नंबर को भी बैक साइड से लिखना शुरू करेंगे 905 1864। ऐड करते हुए अगर आप ये कॉमास नहीं लगाते तब भी ठीक है, तब भी ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पर जब भी इसका आंसर आएगा उसको भी पीरियड्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करोगे। पहले तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 का 2 1 कैरी, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 6 + 3 9 और 1 10 + 5 15, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 4 7, + 1 8, 9 + 5 14, 14 + 8 22, 2 + 2 carry, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 का 4 1 carry, 4 + 1 5 और 1 6। अब जो भी क्वेश्चन आया है इसको पीरियड्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करोगे। अब देखो ये इसका प्लेस क्या है, 1s, 10s, 100, ये एक ही पीरियड में रहेगी, उसके बाद कोमा, 1000, 10,000, कोमा, लैख, 10 लैख। ये यहाँ तक सब्ट्रैक्ट। हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से। फ्रॉम वाला नंबर जब भी हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे, फ्रॉम वाला नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे,
फ्रोम वाला नंबर हमने सबसे पहले लिख लिया और उसके बाद इसके नीचे क्या लिखेंगे, फ्रोम से पहले वाला नंबर, ये वाला नंबर पीछे से लिखना स्टार्ट करो 308, त्रिकोमा मत लगाना, 1931। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, माइनस करोगे क्या आएगा, 3 में से 3 माइनस करोगे 0, 2 में से 0 माइनस करोगे 2। अब देखो ये 1 क्या है, 8 से छोटा है, तो ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, इसने इसको कैरी दी, यहाँ 8 बच गया और यहाँ क्या बन गया है 11, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 1 माइनस करो 7। अब ये इससे कैरी लेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बनेगा 10, 10 में से 9 माइनस करोगे 1। अब ये भी छोटा नंबर है, इससे ये ऊपर वाला नंबर भी 1 भी छोटा है 3 से, तो ये भी क्या करेगा नेक्स्ट वाले नंबर से कैरी लेगा, कैरी लेने के बाद क्या बनेगा 11, 11 में से 3 माइनस करोगे 8, 4 में से 1 100 एक पीरियड के, 1000 10000 एक पीरियड से बिलोंग करते हैं और लैख 10 लाख एक पीरियड से, और ये है इसका आंसर। आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अब जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं आप खुद से ट्राई करोगे, कोई भी डाउट होगा हम ऑनलाइन क्लास में उसे क्लियर करेंगे। थैंक यू।